हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। हम आज एक नए ब्लॉग के साथ, मैं अभी पुणे शहर के अंदर कोंडवा खुर्द में हूँ। यहाँ पे एक पार्क है कौशल बाग, जो बच्चे के लिए बहुत ही फनी है, फुल एंटरटेनमेंट के लिए है। बच्चे के लिए प्लेग्राउंड, झूला, एक्सरसाइजेस सब मौजूद है यहाँ पे। चलिए हम आपको दिखाते हैं उसका रास्ता, किस टाइप से आपसे जाना है। और बच्चे के लिए खास करके बहुत ही एंजॉय करने वाला ये पार्क है। ये पार्क 3 लेयर में है। चलिए अब हम यहाँ से एंट्री करते हैं। यहाँ से हमें लेफ्ट साइड में जो पतरे का दरवाज़ा दिख रहा है, उस जगह से एंट्री करना है। एंट्री करते ही सामने हमें ये बोर्ड दिखेगा, शहीद अब्दुल हमीद आयुर्वेदिक उद्यान। ये कोंडवा खुर्द में है, आप देख सकते हैं आपके सामने बोर्ड। ये एक गेट है और यहाँ से आपको मेन दरवाज़ा दिखेगा। ये है मेन दरवाज़ा पार्क के अंदर एंट्री करने का। जैसे कि आपको दिख रहा है ऊपर, पुणे महानगर पालिका, शहीद अब्दुल हमीद आयुर्वेदिक उद्यान। बहुत ही नज़दीक से हम आपको बता रहे हैं, ये नाम है पार्क का। और यहाँ पे आपको खाने के लिए भी मिल जाएगा कुछ, बच्चे के लिए भी, सियाने भी खा सकते हैं। अब देखिए हम दिखाते हैं, यहाँ पे समोसा मिलता है, समोसा कचौरी। ज़्यादा प्राइस नहीं है, 10 रुपया, 5 रुपया, 15 रुपया आपको मिल जाएगा पीस। और इस जगह पे भुट्टा है, ठीक एंट्री करते ही बस उसी जगह पे है, 20 रुपया पर भुट्टा। बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट है। अब देखिए किस तरीके से बनाता है आग पे, और फिर उस पर नमक लगा करके, नींबू नमक, ये टेस्टी बहुत अच्छा लगता है खाने में। हम तो खाए हैं, आप भी टेस्ट करके देखिए, देखिए किस टाइप से नमक लगा रहे हैं। यहाँ पे बच्चे लोग के लिए भी कुछ फनी है, पॉप्स वगैरह है उन लोग का, तो आप देख सकते हैं। चलिए हम वहाँ पर एंट्री किए हैं अंदर। एंट्री करने से यहाँ पे दो रास्ता दिखता है, एक राइट एक लेफ्ट। राइट में जाइएगा तो एक्सरसाइज का रास्ता पार्क है, लेफ्ट में जाना है तो लेफ्ट में जाते ही थोड़ा दूर आगे जाएगा तो पीने का पानी का टैंकर है, नल लगा हुआ है, उससे आगे झूला है जो बच्चे वहाँ फुल एंजॉय कर सकते हैं उसमें। चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये वो पानी का नल है जहाँ से हम पीने का पानी पी सकते हैं। बहुत ही अच्छा पानी है इसमें और ठंडा पानी है, आप देख सकते हैं। इससे थोड़ा आगे हमें चलना है, सामने वो झूला है। यहाँ से हमें एंट्री करना है। एंट्री करते ही लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये बच्चे को फनी बच्चे लोग के लिए बहुत ही मस्त है। और ये देखिए लेफ्ट साइड में यहाँ पे झूले, 6-6 झूले लगे हुए, सभी एंजॉय करते हैं। चलिए हम आपको आगे भी दिखाते हैं किस टाइप से है पूरा। स्लीपिंग भी बहुत सारा है इसमें, और स्लीपिंग से भी करते हैं। ये बच्चे के लिए फुल फनी है, बहुत ही इंजॉय करते हैं बच्चे यहाँ पे। चलिए हम आपको आगे ले चलते हैं।
यहाँ पे वो रास्ता है, थोड़ा ऊपर चढ़ना है और ऊपर चढ़ते ही हमें और एक पार्क दिखेगा। ये हमने फर्स्ट में था, नीचे है। जैसे कि अभी सभी जानते हैं कोंडवा एक टापू है, एक पहाड़ी एरिया है, तो उसी हिसाब से ये पार्क को भी बनाया गया है। ये ऊपर से व्यू स्टेप से दिखेगा आपको। नीचे ये गार्डन है जो बच्चे लोग के झूले के लिए है और यहाँ से हमें ऊपर चलना है। ऊपर जाते ही थोड़ा ही सा ऊपर है, ज़्यादा नहीं है, लेफ्ट साइड में पार्क है जो इसमें बैठते हैं, बच्चे फुल एंजॉय करते हैं। अब देखिए यहाँ से व्यूज़ देखिए कितना अच्छा है। फ़ोटो इस जगह से बहुत ही अच्छा और क्लियर दिखता है और जो इमेज लेना चाहते हैं, कोई भी शूट करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा आता है इस जगह, क्योंकि ये जगह पूरा हरियाली है प्लस फ्लाइटें हैं बाजू में, तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए हम आपको थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। यहाँ बच्चे फुल इन्जॉय करते हैं इसमें, क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा है इस जगह का। देखे बच्चे किस टाइप से इंजॉय कर रहे हैं, पूरे स्पेस इतना अच्छा है। चलिए थोड़ा सा यहाँ से हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद हमें और एक लेयर मिलेगा, थोड़ा ऊपर में है, वो जगह भी बहुत ही फनी है। वहाँ से भी अब हम देख सकते हैं, आपको मैं ले चलता हूँ। ये देखिए रास्ता, ये थोड़ा सा और ऊपर है। हम ऊपर में आ गए और ये एक और है प्ले ग्राउंड ही है, यहाँ हर कोई इंजॉय करता है इसमें भी। और इससे भी एक ऊपर है, चलिए हम आपको दिखाते हैं वो। इसके बाद यहाँ पे एक्सरसाइज के लिए है जो बहुत ही मज़ा आता है और बच्चे लोग खास करके बहुत बच्चे बूढ़े जवान इस जो पार्क का ये जो एरिया है जिसे हमने स्टार्टिंग में बताया था, ये बहुत ही इंजॉय के लिए है। इसमें सभी इंजॉय करते हैं, बच्चे बूढ़े सब। अब देख सकते हैं, हम आपको कवरेज करके दिखा रहे हैं। आप भी आइए, घूमिए। आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें ज़रूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इससे ही तरीके का और इससे अच्छा
तो अब हम यहाँ से निकलते हैं, चलिए हम फिर रिटर्न वापस चलते हैं। और ये शाम का वक्त है, अब देख सकते हैं व्यूज़ यहाँ का। और ये फिर हम मेन दरवाज़े पे आ गया, और यहाँ से निकलने के बाद फिर से हम वही दरवाज़ा जो एंट्री किए थे इस जगह पे आ गया। और इसके बाद जो है ना, हमें सामने कौसर बाग मस्जिद है, हम आपको व्यूज़ देख रहे हैं, वहाँ का मीनारे दिखा रहे हैं देखिए, और नज़दीक से भी हम आपको दिखाएंगे उसका जो एंट्री करने का दो दरवाज़ा है। मीनारे बहुत ही ऊंची है इसकी, हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लोकेशन दे देंगे, आप आराम से जाके घूम सकते हैं, बच्चे के लिए बहुत ही मज़ा है। जैसे कि ये देखिए, ये मेन गेट है एक, और एक दूसरी तरफ है गेट। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया, धन्यवाद।